टेस्टी पाव भाजी बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, फूलगोभी, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, पत्ता गोभी को फाइनली हम लोग चॉप कर देंगे। हम लोग मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब उसमें हम लोग करीब एक डेढ़ चम्मच के इतना करीब डेढ़ चम्मच इतना तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम लोग उसमें जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को डालकर पकाएंगे। करीब जब थोड़ी देर पक जाए और इनका फ्लेवर तेल में मिल जाए तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। सब्जियां जब एक दो मिनट पक जाए तब हम लोग उसमें सूखे मसाले डालेंगे। मसाले सब्जियों की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालना चाहिए। मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से करीब एक चम्मच से थोड़ा सा कम मसाले डाले, जिसमें मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च और करीब उतना ही धनिया और उतना ही हल्दी और जीरा पाउडर उसे आधा चम्मच और पाव भाजी मसाला मैंने एक चम्मच यूज किया है। अगर आपके पास पाव भाजी नहीं हो तो आप सांभर मसाला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए सारे सब्जियां मैं एक एक करके सारे सब्जियां डाल दी हूँ। अब इसे डालकर करीब एक मिनट तक भूनूंगी। एक मिनट तक भूनने के जब एक मिनट हो जाए तब हम लोग सारे सूखे मसाले डालेंगे। मसाले डालकर करीब एक मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालकर उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इन सब्जियों के लिए करीब डेढ़ गिलास पानी यूज किया है। मैं वो पानी वाला क्लिप लेना भूल गई हूँ, लेकिन आप एक मिनट सब्जियों को मसाले के साथ भूनने के बाद पानी डाल देना। उसे जब सब्जियाँ पक जाएंगी तब हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं धीरे धीरे करके सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ। अब उसे एक मिनट तक भूनेंगे हम लोग। ये देखिए सब्जियाँ पक गई है। सब्जियाँ पक गई, अब हम लोग उसे मैसर से मैश करेंगे। मेरा मैसर मुझे मिल नहीं रहा इसलिए मैंने उसे गिलास से मैश किया। आप उसे दलमथनी मैसर जो भी आपसे मिले उसे अच्छी तरह से मैश कर दीजिए। अच्छी तरह से मैश हो जाए तो हम लोग उसमें टेस्ट के लिए करीब डेढ़ दो चम्मच के करीब सॉस डालेंगे। सॉस ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम लोग उसमें एक डेढ़ चम्मच के करीब घी डालेंगे। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मैंने शुद्ध घी यूज किया है। इससे भी पाव भाजी का टेस्ट दुगना हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। ये देखिए पाव भाजी की सब्जियां तैयार हो गई, हमारी भाजी तैयार हो गई है। आप उसे धनिया की पत्ती डालकर हम लोग पाव सेकेंगे। पाव सेकने के लिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है। तवे को घी डालकर हम लोग चिकना कर लेंगे। अब उसमें पाव को बीच से काट कर तवे पर फैला देंगे। ये देखिए मैं इस तरह कर रही हूँ। और उसमें घी डालकर अच्छी तरह से उलट पलट कर सेक लेंगे। टेस्टी पाव भाजी तैयार है, जो न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसे आप बनाइए और बना खा के बताइए कैसा लगा।